हेलो एवरीवन, वंस अगेन मोस्ट वेलकम इन दिस यूट्यूब चैनल। आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं क्लास 12 फ्लेमिंगो थर्ड चैप्टर डीप वाटर। इसमें हम देखेंगे कैसे एक राइटर जिसे शुरुआत में पानी से काफ़ी डर होता है, वह अंततः इसमें काबू पाता है और वह फाइनली तैरना सीख जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल अबाउट द ऑथर, विलियम डगलस वॉज बोर्न इन मैन मिनिसोटा। विलियम डगलस का जन्म मैन मिनिसोटा में हुआ था। आफ्टर ग्रेजुएटिंग विथ अ बैचलर ऑफ आर्ट्स इन इंग्लिश एंड इकोनॉमिक्स, और उन्होंने अपना ग्रेजुएशन इंग्लिश और इकोनॉमिक्स से किया। ही स्पेंट 2 ईयर्स टीचिंग हाई स्कूल इन याकिमा। उसके बाद उन्होंने याकिमा में 2 साल स्कूल में पढ़ाया। हाउएवर ही गॉट टायर्ड ऑफ दिस एंड डिसाइडेड टू परस्यू अ लीगल करियर। लेकिन इससे वह थक गया और वह चाहा, उन्हें लगा कि अब मुझे लीगल करियर बनाना चाहिए। ही मेट फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट एट येल एंड बिकेम एन एडवाइजर एंड फ्रेंड टू द प्रेसिडेंट। और उसके बाद उन्होंने विलियम डगलस मिला। किससे मिला? फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। और ये फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट कौन था? तो फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट अमेरिका के राष्ट्रपति थे। एट येल एंड बिकेम एन एडवाइजर एंड फ्रेंड। और उसके बाद उससे उसका काफी अच्छा से मित्रता हो गया, तो वह उसके फ्रेंड और एडवाइजर भी बन गए। डगलस वॉज अ लीडिंग एडवोकेट ऑफ इंडिविजुअल राइट्स। और डगलस मानव अधिकार के लिए लड़ते थे, वह एक एडवोकेट भी थे। ही रिटायर्ड इन 1975 विथ अ टर्म लास्टिंग 36 ईयर एंड रिमेन द लॉन्गेस्ट सर्विंग जस्टिस। और उन्होंने 36 ईयर 36 साल जॉब करने के बाद 1975 में रिटायर हुआ। Serving justice in the history of the court. The following excerpt is taken from Of Man and Mountain by William O. Douglas. और यह जो चैप्टर है लिया गया है जिसका राइटर विलियम ओ डगलस ही थे। It reveals how as a young boy William Douglas nearly drowned in a swimming pool. इसमें यह दिखाया गया है कि कैसे एक यंग बॉय विलियम डगलस जो कि स्विमिंग पूल में बह जाता है। इन दिस एसे ही टॉक्स अबाउट हिज फियर ऑफ वाटर। इस एसे में उन्होंने अपना वाटर के प्रति फियर, डर को व्यक्त किया है। हाउ ही फाइनली ओवरकम इट, और फाइनली वह किस प्रकार इसमें ओवरकम मीन्स काबू पाता है। नोटिस हाउ द ऑटोबायोग्राफिकल पार्ट ऑफ द सेलेक्शन इज यूज टू सपोर्ट हिज डिस्कशन ऑफ फियर। It had happened when I was 10 or 11 years old. और यह घटना कब घटी? जब मैं 10 या 11 वर्ष का था। I had decided to learn to swim. इन्होंने क्या डिसाइड किया? स्विम सीखने का। There was a pool at the YMCA in Yakima that offered exactly the opportunity. YMCA में एक पूल था जो इसके लिए स्विमिंग सीखने का बहुत ही अच्छा सुनहरा मौका था। द याकिमा रिवर वॉज ट्रेचरस। ट्रेचरस कहने का मतलब डेंजरस, मीन्स खतरनाक। और यह जो याकिमा रिवर था वो काफी खतरनाक था। मदर कंटिन्यूअली वार्न अगेंस्ट इट। और इसकी जो माँ थी वह लगातार बार बार इसे चेताते रहती थी कि उस नदी में जाना सेफ नहीं है, वहां पे लोग जाते हैं तो डूब के मर जाते हैं। केप्ट फ्रेश इन माई माइंड द डिटेल्स ऑफ ईच ड्रॉविंग इन द रिवर। उसके यादों को वह ताजा करते रहते थे। उसकी जो माँ थी, किसकी माँ? विलियम डगलस। वह बार बार बताते रहते थे कि यह रिवर काफी डेंजरस है, इसमें लोग जाते हैं तो डूब के मर जाते हैं। बट द YMCA पुल वॉज सेफ। लेकिन जो YMCA पुल था वो काफी सेफ था। इट वॉज ओनली 2 or 3 feet डीप। यह मात्र 2 या 3 feet गहरा था। एट द सेलो एंड। अब सेलो एंड क्या होता है? तो किसी भी स्विमिंग पूल में 2 एंड होता है, एक को कहते हैं सेलो एंड और एक को कहते हैं डीप एंड। तो जिधर हल्का गहरा होता है उसको कहते हैं सेलो एंड। तो सेलो एंड में सिर्फ 2 या 3 फीट गहरा था। एंड वाइल इट वॉज 9 फीट डीप एट द अदर। और जबकि दूसरे छोर में यह 9 फीट गहरा था। डीप एंड में था 9 फीट और सेलो एंड में था 2 या 3 फीट। द ड्रॉप वॉज ग्रेजुअल। आई गॉट अ पेयर ऑफ वाटर विंग्स एंड वेंट टू द पूल। और यह वाटर विंग्स लेकर के तैरने के लिए चला गया पूल में। आई हेटेड वॉक। और इसे शुरू में वॉक से यह शुरू में हेट करता था।
I had to walk naked into it and show my skinny legs, but I subdued my fright and did it. इसे अपने आप में काफी शर्मिंदगी लगता था, इसे अच्छा नहीं लगता था क्योंकि इसका पैर जो काफी पतला दुबला था और इसे नंगे स्विमिंग पूल में जाने में अच्छा नहीं लगता था, वही यह बता रहा है। फ्रॉम द बिगनिंग हाउएवर आई हैड एन अवर्जन टू द वाटर व्हेन आई वाज इन इट, शुरू शुरू में यह डिसलाइक करता था। दिस स्टार्टेड व्हेन आई वाज 3 or 4 ईयर्स ओल्ड एंड फादर टुक मी टू द बीच इन कैलिफोर्निया, और जब यह 2 या 3 साल का था तो इसके फादर इसे कैलिफोर्निया के बीच समुद्र के तट पर लेकर आए थे। ही एंड आई स्टूड टूगेदर इन द सर्फ, सर्फ करने का मतलब वेव, लहर में दोनों इसके फादर और ये खड़े थे। आई हंग ऑन टू हिम येट द वेव्स नॉक्ड मी डाउन एंड स्वेप्ट ओवर मी, और उधर से लहर आया और इसे गिरा दिया और इसके ऊपर से जो लहर था वो बह गया। आई वॉज बरीड इन वाटर, और यह क्या हुआ, पानी में बह गया। माई ब्रेथ वॉज गोन, और यह पूरा अकबकाने लगा, पूरा पानी निकल गया था। आई वॉज फ्राइटेंड, मैं काफी डर गया। फादर लाफ्ड, और इसके पिता हंसने लगे। बट देर वॉज टेरर इन माई हार्ट एट द ओवर पावरिंग फोर्स ऑफ द वेव्स, और इसे डर हो गया। माई इंट्रोडक्शन टू द YMCA स्विमिंग पूल रिवाइव्ड अनप्लेजेंट मेमोरीज एंड अस्टर चाइल्डिश फियर्स, और YMCA पूल में जब यह सीखने के लिए आया स्विमिंग, तो इसका बचपन की जो डर था वो फिर से ताजा हो गया। बट इन अ लिटिल वाइल आई गेदर कॉन्फिडेंस, लेकिन कुछ ही क्षणों में इन्होंने अपना हौसला को, अपना कॉन्फिडेंस को, अपना विश्वास को फिर से वापस लाया। आई पैडल विथ माई न्यू वाटर विंग्स, और यह न्यू वाटर विंग्स से पैडल किया, पैर चलाया। वॉचिंग द अदर बॉयज एंड ट्राइंग टू लर्न बाय एपिंग देम, और भी दूसरे बच्चे जो सीख रहे थे उन लोगों को देख करके इन्होंने भी नकल करना शुरू किया और इन्होंने भी अपना हाथ पांव चलाना शुरू किया। आई डिड दिस 2 or 3 टाइम्स ऑन डिफरेंट डेज, या 2-3 दिनों तक डिफरेंट डिफरेंट दिन में यह ऐसा करते रहे। एंड वॉज जस्ट बिगनिंग टू फील एट ईज इन द वाटर, और धीरे धीरे इसे यह काम आसान लगने लगा। एंड वॉज जस्ट बिगनिंग टू फील एट ईज इन द वाटर व्हेन द मिसएडवेंचर हैपेंड, और कुछ ही दिनों के बाद इसके साथ एक दुर्घटना घट गई। अब देखते हैं कि वह कौन सा दुर्घटना थी। आई वेंट टू द पूल व्हेन नो वन एल्स वाज देयर, यह पूल उस समय पहुंचा जब कोई भी व्यक्ति पूल पे नहीं पहुंचे हुए थे। द प्लेस वाज क्वाइट, वह जगह बिल्कुल शांत था। द वाटर वाज स्टिल, पानी भी शांत थी। एंड द टिल बॉटम वाज एज वाइट एंड क्लीन एज अ बाथटब, और उसका निचला सतह इतना क्लीन था जैसे मानो कि वह बाथ टब हो। आई वॉज टिमिड अबाउट गोइंग इन अलोन, और इसे अकेले पानी में जाने में डर लग रहा था। सो आई सेट ऑन द साइड ऑफ द पूल टू वेट फॉर अदर्स, इसलिए यह पूल के किनारे में बैठ करके दूसरे लोगों का आने का इंतजार करने लगे। आई हैड नॉट बीन देयर लॉन्ग व्हेन इन केम अ बिग ब्रूजर ऑफ अ बॉय प्रोबेबली 18 ईयर्स ओल्ड, ज्यादा देर हुआ भी नहीं था वहां पे कि एक बिग ब्रोजर हट्ठा कट्ठा लड़का आता है, वो लगभग 18 साल का होगा। ही हैड थिक हेयर ऑन हिज चेस्ट, उसके चेस्ट में छाती में काफी घने बाल थे। ही वॉज अ ब्यूटीफुल फिजिकल स्पेसिमैन, और उसका मसल फिजिकल स्पेसिमैन काफी अच्छा था। विथ लेग्स एंड आर्म्स, उसका पैर और हाथ भी काफी हट्ठे कट्ठे तगड़े थे। दैट शोड रिपलिंग मसल्स। He yelled, वह चिल्लाया, Hi skinny, how would you like to be ducked? तुम्हें कैसा लगेगा यदि मैं तुम्हें पानी में फेंक दूं? With that he picked me up and tossed me into the deep end, और इतना ही कह के उन्हें डीप एंड में वह फेंक दिया। I land in a sitting position, और वह बिल्कुल से sitting position में William Douglas land कर गए पानी में। Swallowed water, और इस दौरान उन्होंने बहुत सारा पानी भी पी गया। एंड वेट एट वंस टू द बॉटम आई वॉज फ्राइटेंड, और जैसे ही वह बॉटम में गया पूरा डर गया था। बट नॉट येट फ्राइटेंड आउट ऑफ माई वेट्स, लेकिन इतना भी ज्यादा वह नहीं डर रहा था कि उसका दिमाग काम करना बंद कर दे। ऑन द वे डाउन आई प्लान, और जब वह नीचे की तरफ जा रहा था उसी दौरान उन्होंने प्लान किया, एक योजना बनाया। वेन माई फीट हिट द बॉटम आई वुड मेक अ बिग जम्प,
जब मेरा पैर जमीन के तल को टच करेगा, मैं एक बड़ा सा छलांग लगाऊंगा। Come to the surface, lie flat on it and paddle to the edge of the pool. और मैं एक बड़ा सा छलांग लगाऊंगा और पूल के सरफेस के सतह पे आ जाऊंगा। It seemed a long way down. और जब वह नीचे जा रहा था तो उसे इतना लंबा लग रहा था। Those 9 feet were more than like 90. 9 feet का गहराई इसे लग रहा था कि 90 feet से भी ज्यादा हो। And before I touched bottom, my lungs were ready to burst. और जब तक कि यह बॉटम को टच करता, पूरा इसका फेफड़ा पानी से भर गया था, पूरा पानी निकल गया था। बट वेन माई फीट हिट बॉटम, आई समंड ऑल माई स्ट्रेंथ एंड मेड वॉट आई थॉट वॉज अ ग्रेट स्प्रिंग ऑफ वाटर्स। आई इमेजिन आई वुड बॉब टू द सर्फेस लाइक अ कॉर्क। इन्होंने कल्पना किया, इमेजिन किया कि मैं कॉर्क के जैसा ऊपर में आ जाऊंगा। इंस्टेड आई केम अप स्लोली, जबकि यह बहुत धीरे धीरे ऊपर की ओर आया। आई ओपेंड माई आईज, सॉ नथिंग। और जब इसका आंख खुला तो कुछ भी नहीं देख रहा था। आई होप आपको यह वीडियो समझ में आ गया होगा। इस वीडियो और पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें।